दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम फतेहाबाद में पहुंचे हैं। यहाँ पर जो पब्लिक आई है उनसे बातचीत करके जानते हैं कि क्या प्रोग्राम था, क्या यहाँ पर प्रोग्राम किया गया और किस सोच से ये किया गया, जानेंगे इनके साथ सीधी बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका शुक्रिया। नमस्कार सरोज इंसान जी, क्या प्रोग्राम था आज यहाँ पर? हमारे जामे इंसान जन्मदिन के भंडारे में उसके नाम पर रखी गई, जिससे कि हमने पक्षियों को कसोरे भी बांटे और हमारे पिताजी की मांग तब लाई के जितने भी कार्य चल रहे हैं उनको बढ़ चढ़ कर सबने हिस्सा लिया, जिसमें कि मांग तब लाई के बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और उनमें से एक कार्य है जो पक्षियों को कसोरे बांटे गए। इसका क्या मतलब है, किस लग रही है आपको ये कि गर्मी के मौसम में जैसे पक्षी हैं उनको पानी चोखा उसके लिए ये रखा है? सोच कैसे आई आपके अंदर? ये सोच हमारे साथ डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी हिंसा जी ने हमारे अंदर भरी हुई। संत जी के ऊपर आज भी आप विश्वास करते हो, आस्था रखते हो? बहुत आस्था, बहुत ज्यादा विश्वास, दृढ़ विश्वास है बहुत ज्यादा। क्या ऐसा आपकी जिंदगी में बदलाव आया जो स्टिल आप उनके ऊपर विश्वास करते हो? सतगुरु जी हमें शिक्षा ही ऐसी देते हैं कि शिष्य को अपने आप ही विश्वास है। ऐसे ऐसे करिश्मे हुए हमारे साथ कि बता ही नहीं सकते, इसलिए दृढ़ विश्वास है। लेकिन उनके ऊपर जितने आरोप लगाए जा रहे हैं सरासर झूठ है। सच क्या है, क्या उनकी तो ये आपके सामने जो देखो संगत इतने मानता भलाई के काम कर रही है, ये सारा ही सच है और बाकी सब झूठ है। आज उनकी जरूरत है समाज को जी, बहुत ज्यादा जल्दी से जल्दी उनको आने लेना चाहिए। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि संत जी को जल्दी से जल्दी आने की अनुमति दें, जो कि समाज को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख सकते हो कि आज यहाँ पर फतेहाबाद में जो प्रोग्राम किया गया डेरा कसौदा की तरफ से, वहाँ पर ये मिट्टी के बर्तन बांटे गए पक्षियों के लिए। पक्षियों गर्मी बढ़ रही है उनको पानी रखने के लिए, उनका कहना है कि सिर्फ रोहित राम के कहने पर ही ऐसा कार्य करते हैं। उन्हीं ने प्रेरणा दी है कि हर जीव का सोचो और जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं तमाम झूठे हैं। आज संत जी की जरूरत है, ये पब्लिक की मांग है। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ के साथ। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।